कुछ दिनों पहले घर के अंदर एक डेट हुई थी शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच। हालांकि वो डेट ज्यादा किसी को उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। हाँ, लेकिन अगर डेट होती प्रियांकित या शालीन टीना के बीच में तो शायद कुछ बात बनती। बट फिलहाल के लिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बिग बॉस ने अब जनता की डिमांड सुन ली है और शायद प्रियांकित को बहुत जल्द करीब लाएंगे, क्योंकि जनता यही डिमांड कर रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। एज आई सेड कि बिग बॉस के घर के अंदर एक तरफ है प्रियंका, एक तरफ अंकित, और दोनों ही जिस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच भी हैं, डिटैच भी हैं, फिर अटैच होकर कई बार लगता है कि शायद नहीं अटैच्ड हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार अटैचमेंट तो है, फिर ऐसा लगता है कि प्यार तो प्रियंका की साइड से बहुत है, लेकिन फिर प्रियंका कहती है कि मैं उन्हें बच्चे की तरह देखती हूँ और शादी तो वो नहीं करेगा। फिर उसके बाद अंकित कहते हैं कि यार प्रियंका मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों के बीच जनता जो है वो ये देख पा रही है कि प्यार है, लेकिन एक्सेप्ट अंकित कर ले तो प्रियंका फिर एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि प्रियंका शायद एक दो बार धोखा ऑलरेडी अंकित से खा चुकी हैं। धोखे से मेरा मतलब ये नहीं कि अंकित ने धोखा दिया है, धोखे से मेरा मतलब ये है कि क्योंकि अंकित रेडी नहीं है इसलिए प्रियंका फ्रंट फुट पर आकर बोलती भी नहीं है कि वो प्यार वाकई करती हैं। लेकिन शायद बिग बॉस का घर अंकित को ये बात रियलाइज करवाएगा कि उन्हें फ्रंट फुट पर आना जरूरी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। सो ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रियंका जब रोकर बाहर आई तब अंकित सबसे पहले उनके पास गए, उन्हें हग किया और अंकित कोई मौका नहीं छोड़ते प्रियंका को गले लगाने का, प्रियंका 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 करने का। और अंकित का ये जो रोमांटिक अंदाज है धीरे धीरे ही सही, ये जो जोश है धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर बाहर आ ही रहा है। अब इस जोश को देख कर फैंस ने डिमांड की है कलर्स टीवी प्रियंकित के लिए डेट ऑर्गेनाइज करो, दे डिजर्व सम अलोन टाइम एंड ट्रस्ट मी वी विल वॉच इट, इट विल बी योर मोस्ट वॉच्ड एपिसोड। जी हाँ, यानी कि अगर आपने ऐसा कर दिखाया बिग बॉस, तो अगर आपने इन दोनों के लिए डेट ऑर्गेनाइज कर दिखाई तो फिर हम डेफिनेटली इस एपिसोड को जिसमें ये दोनों डेट पर जाएंगे मोस्ट वॉच्ड एपिसोड बना देंगे। उसी के साथ साथ एक बार फिर मैं आपको चलिए क्यूट मोमेंट्स दिखा देती हूँ प्रियंकित के बीच। सो क्लियरली ये जो दोनों ही लव बर्ड्स हैं, जनता तो चाह रही है कि ये लव बर्ड्स एक हो जाएं, जनता तो चाह रही है कि ये जो लव बर्ड्स हैं ये हमें जल्द से जल्द ऐसी सिचुएशन में देखने को मिले जिसे देखकर हमें भी मजा आए और आपको भी मजा आए। सो आप क्या कहेंगे प्रियंकित के सो कॉल्ड लव रिलेशनशिप पर, लव हेट फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पर, बताइएगा।